दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों गाने पर डे आते हैं, लेकिन झमकावला से हुई नहीं। दोस्तों इस वाले गाने में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, सबको 10-10 रुपए दिया जाए तो खेसारी लाल यादव के महीने दिन का गाना का कोटा का बजट फुल हो जाएगा। सब जने कहते ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे तार लोग के। दिमाग लगाना है तो पवन सिंह की तरह लगाओ। पोस्ट देख रहे हो, कोई माई का लाल है जो कह देगा ये अश्लील गाना है? नहीं नहीं, कह के दिखाओ अश्लील गाना है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्या दिखाओगे अश्लीलता को दिखाने के लिए? ये फोटो क्या है भाई, इसमें खराब टांग नहीं दिखा सकता है। अबे साले जब... दोस्तों अगर सबसे ज्यादा सवाल कोई पूछा जाता है तो वो ये है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। उसके बाद अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो ये है कि पवन सिंह का गाना इतना लेट क्यों आता है। अब तुम ही देख के बताओ कि ऐसा गाना 30 दिन में 30 गो आ पाएगा। अब ऐसा गाना आ गया ना, अब लोग इसी गाने के लकीर पे रेंगना शुरू करेंगे। अब लोग बोलेंगे इस रिव्यू बनाने का कितना पैसा लिए? 250-300 रुपए। तो 250-300 में कैसे गुजारा करते होंगे आप? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अबे अच्छा है गाना सालो, खुद देखो ना कितनी फ्लेक्सिबल लड़की है एकदम। अब का चाहिए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों एक होता है ना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गाने को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार मतलब बॉलीवुड वाले कितना अच्छा करते हैं, पंजाबी वाले कितना अच्छा करते हैं, लेकिन पवन सिंह के इस गाने को देखने के बाद सब फीका लगेगा। सब बॉलीवुड पंजाबी और जितने इन्हें उन्हें के है ना, जिसको लेके लोग सिहाते हैं कि वाह काश भोजपुरी में ऐसा हो जाता। कोई सिहाने की जरूरत नहीं है, पवन सिंह ने बताया था ना कि लेवल आएगा तो पवन सिंह लाएगा, लेके आगे देख लीजिए है कोई तो लेके आए ऐसा गाना। पहला ब्रांड पवन सिंह ही है, किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस गाने को बनाता है बहुत ज्यादा खूबसूरत वो है इस गाने का लाइन। कोई भी ऐसे शब्दों का चयन नहीं किया गया है जिससे गाना ये बहुत ज्यादा विपरीत दिशा में जाने लगे और लोग इसका विरोध शुरू कर दें। भाई लला खानाओ नैनी ताल झगड़ा। बाबा को देख रहे हो कितना मस्त एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने बाबा के साथ भी इस गाने को सुन सकते हो। शर्म करो भगवान से डरो भोस। मस्त शादी पार्टी बर्थडे में मनाइए और एकदम फैमिली के साथ लॉलीपॉप की तरह डांस कीजिए। पवन सिंह का ये पहचान बिल्कुल खरा उतरता है यहाँ पे और ये गाना सुपर डुपर हिट है। 10 में से हम देंगे इस गाने को 10 नंबर। अब जितने लोग खून खौला के यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं आपके लिए भी कुछ है, ये वाला लाइन जरा सुनते जाओ। जी खिया के मजा मार लीजिए, ओए होए।